दिल्ली के अशोक रोड से गुजरिएगा कभी तो एक इमारत नजर आएगी, निर्वाचन सदन। यहीं से चलता है भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। 12 दिसंबर 1990 को इस इमारत में एक शख्स दाखिल हुआ, नाम था टीएन शेषन। उसके बाद से आम सी दिखने वाली ये सरकारी इमारत कुछ दिनों के लिए एक ताकत में तब्दील हो गई। एक ऐसे दौर में जब नौकरशाही का मतलब सरकार की हां में हां मिलाना रहा हो, शेषन ने अपनी ईमानदारी और डंडे का ऐसा इस्तेमाल किया कि सिस्टम को मन मुताबिक चलाने की सोच रखने वालों में खौफ भर गया। इससे पहले ना तो किसी ने चुनाव आयोग का ऐसा रूप देखा था, ना ही ऐसा दमदार नौकरशाह। चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन शेषन की छवि कुछ ऐसी बनी कि कहा जाने लगा भारत के नेता सिर्फ दो चीजों से डरते हैं, एक भगवान और दूसरे टीएन शेषन। शेषन की यह छवि बेवजह नहीं थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे, ये यूं भी सियासी तौर पर एक उबलता हुआ साल था। यूपी के सभी डीएम, पुलिस अफसर, चुनाव की जिम्मेदारी संभालने वाले करीब 300 ऑब्जर्वर, शेषन ने सबको कह दिया कि अगर चुनाव में कोई भी गलती हुई तो बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में शेषन ने करीब 50,000 अपराधियों को विकल्प दिया कि या तो वो अग्रिम जमानत ले लें या खुद को पुलिस को सौंप दें। उत्तर प्रदेश का एक और किस्सा मशहूर है। कल्पनाथ राय उस वक्त खाद्य मंत्री थे, चुनाव प्रचार बंद हो चुका था, लेकिन डीएम ने उन्हें भतीजे के लिए प्रचार करते पकड़ लिया। उन्हें साफ शब्दों में चेतावनी दी गई कि अगर भाषण नहीं रोका गया तो इलेक्शन कमीशन को ये चुनाव रद्द करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। ये हिम्मत शेषन की दी हुई थी, जिसकी धमक ऊपर से नीचे तक चुनावी मशीनरी में दिखाई देने लगी थी। हिमाचल चुनाव में भी शेषन की कसी हुई मुट्ठियों ने कईयों की मुश्कें कस दी। लेकिन बतौर इलेक्शन कमिश्नर शेषन का सबसे दिलचस्प और मुश्किल चुनाव आया साल 1995 में। जगह थी बिहार। ये मानकर चला जाता था कि बिहार में साफ सुथरे चुनाव एक सपना है। बूथ कैप्चरिंग आम थी और दुनालियों से गोली निकलते सेकंड नहीं लगता था। कोई और होता तो शायद हथियार डाल देता, लेकिन नहीं, टीएन शेषन नहीं। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री ही बने रहना चाहते थे। शेषन ने पूरे राज्य को अर्धसैनिक बलों से पाट दिया। शेषन को कोई कोताही बर्दाश्त नहीं थी, वो जरा भी शक होने पर चुनाव रद्द कर देते। 4 बार चुनाव की तारीखें आगे बढ़ चुकी थी। एक तरह से सीएम लालू प्रसाद यादव का मुकाबला विपक्ष से ना होकर सीधे शेषन से हो गया। लालू अपने जनता दरबार में शेषन को जमकर लानते भेजते। वो अपने ही अंदाज में कहते, सैसनवा को भैंसिया पर चढ़ा करके गंगा जी में हिला देंगे। शेषन के सिस्टम चलाने के अंदाज से लालू इस तरह नाराज हुए कि वो सीधे राज्य चुनाव आयुक्त RJM पिल्लई के पास जा पहुंचे। उन्होंने पिल्लई से कहा, हम तुम्हारा चीफ मिनिस्टर है और तुम हमारा अफसर, तो ये सैसनवा कहां से बीच में टपकता है जी। लेकिन शेषन डिगे नहीं, वो डरे नहीं, वो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। एक ऐसे राज्य में जहां 1984 में लोकसभा चुनाव में 24 लोग मारे गए, 1985 के विधानसभा चुनाव में 63, 1989 के आम चुनाव में 40, और जिस साल लालू चुनाव जीतकर सीएम बने 1990 के साल में सबसे ज्यादा यानी 87 लोग। शेषन ने पैरामिलिट्री फोर्स की 650 टुकड़ियां तैनात कर दी। 4 चरणों में चुनाव का ऐलान हुआ और 4 बार ही तारीखें बदली गईं। राज्य में आचार संहिता तो लागू थी ही, साथ ही शेषन संहिता भी लागू हो गई। ये देश के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला विधानसभा चुनाव था। चुनाव का ऐलान 8 दिसंबर 1994 को हुआ और चुनाव खत्म हुआ 28 मार्च 1995 को। लेकिन इस लंबे चुनाव ने एक तरह से लालू की मदद कर दी। लालू को वक्त मिल गया सूबे के हर हिस्से तक पहुंचने का और चुनाव प्रचार करने का। बिहार में शेषन ने अपने दम पर वो कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता था। पहले साफ सुथरे चुनाव में लालू ने जीत दर्ज की और लालू के साथ ही शेषन के नेतृत्व में चुनाव आयोग के इरादों की भी जीत हुई। शेषन ने तमाम राजनीतिक विरोध को झेलते हुए भी चुनाव में पहचान पत्र अनिवार्य किया। जब नेताओं ने इसे खर्चीली प्रक्रिया बताया तो उनका जवाब था कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो 1 जनवरी 1995 के बाद देश में कोई चुनाव ही नहीं कराया जाएगा। शेषन ने उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्चे की सीमा भी तय की। 11 दिसंबर 1996 तक शेषन ने चुनाव आयोग की बागडोर संभाली और 6 साल तक ये संस्था एक ऐसा शेर बनी रही जो सिर्फ दहाड़ता नहीं था बल्कि वक्त आने पर शिकार भी करता था। इसी साल उन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और राष्ट्रपति के लिए भी खड़े हुए, लेकिन दोनों जगह हार का सामना करना पड़ा। शेषन के पूरे किरदार को समझना हो तो उनके कलेक्टर की एक बात से समझा जा सकता है जो सर्विस के पहले ही साल में कही गई थी, शेषन तुमने अपने लिए नामुमकिन से स्टैंडर्ड बना रखे हैं। लेकिन टीएन शेषन ने वो सारे नामुमकिन स्टैंडर्ड मुमकिन बना दिए।